अब आपको बताएं, पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाब आज होगा। अरकान असेंबली की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर की नशिस्त पर पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही का मुकाबला नून लीग के इकबाल गुज्जर से होगा और डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर पीटीआई के दोस्त मोहम्मद मिजारी नून लीग के वारिस कल्लू के मद्दे मुकाबले होंगे। रजा ताहिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। रजा ताहिर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, यहाँ पे जो आज इजलास है इसके अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, इसी हवाले से जो अरकान असेंबली हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो आज इजलास का टाइम था वो 10:30 बजे मैक्सिमम शुरू हो जाना था, लेकिन वो अभी तक जो है वो प्रॉपरली किक इन नहीं हो सका, शुरू नहीं हो सका। यहाँ पर जो अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने भी अहम जो अहदेदार हैं, जो अहम मेम्बरान हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। परवेज इलाही जो कि स्पीकर के जो कैंडिडेट हैं पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, वो पहुंच गए हैं। इकबाल गुजर यहाँ पर मौजूद हैं, दोस्त मोहम्मद मिजारी भी पहुंच चुके हैं, स्पीकर जो राणा इकबाल साहब हैं वो भी पहुंच यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ज़ेर सदारत इजलास होगा। पहले स्पीकर को नॉमिनेट किया जाएगा, इलेक्शन होगा, खुफिया राय शुमारी होगी, उसके बाद जब अगला जो स्पीकर है जो कि सिलेक्ट हो जो इलेक्ट होंगे वो जो है डिप्टी स्पीकर का फिर इलेक्शन करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे, और उसके बाद जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं वो आज उनका जो इलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए मेम्बरान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जुगनू मोहसिन यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो यहाँ पर ज़किया शाहनवाज़ पहुँची हैं, अलीम ख़ान इस वक्त अंदर हैं, असम्बली में हैं। यहाँ पर जो अरकान हैं अपनी अपनी पार्टी के हवाले से वो बात कर रहे हैं। पीटीआई के महमूद रशीद का कहना है कि जी हम 25 से 30 वोटों से की लीड से हम जीतेंगे। ख्वाजा साद रफीक आए, वो भी खूब गरजे बरसे अपोजिशन पर, और बाहर एक इजलास अंदर है तो एक जो पंडाल है वो बाहर है, जहाँ पर भरपूर जो अपनी अपनी पार्टी का दिफा किया जा रहा है, मुखालफी पर जो तनकीद के नस्तर हैं वो बरसाए जा रहे हैं। ये यहाँ पर सूरत हाल है पंजाब असेंबली से। शुक्रिया रजा ताहिर आपका। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू है। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली राणा मोहम्मद इकबाल करेंगे। ये पंजाब असेंबली का दूसरा इजलास है जो ताखीर का शिकार है। स्पीकर की नशिस्त पर पीटीआई और काफ लीग मद्दे मुकाबिल होंगे।